हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं कि आलू की मटर की सब्ज़ी बनती कैसी है और इसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं। हमने कुकर चढ़ा दिया है अब सब और तेल गरम हो चुका है। अब सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई करेंगे हल्का भूरा होने पर। हमारे प्याज अच्छी तरह भुन गए हैं और गोल्डन कलर हो गया इनका। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को हमें थोड़ी देर पकाना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो हम इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी आधी चम्मच, और लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च हम कम डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची ज़्यादा डाल दी थी, तो सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च। और अब हम इसे पकने देंगे मसाले में। और ये हमारा मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिला देंगे। और अब इसे पकने देंगे। हमारे आलू लगभग आधे भुन चुके हैं, तो आधे आलू को आधे भुनने के बाद ही हम इसमें मटर डालेंगे। और मटर को भी थोड़ी देर भुनेंगे। और टमाटर भी हमने थोड़ी देर भून लिए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी आप उतना ही डालें जितनी आपको करी रखनी है। अगर आपको कम करी रखनी है तो कम पानी डालें, और ज़्यादा करी रखनी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी। और अब इसे पकने दें। और ये हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और जो कलर आया है इसका वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और अब हम इसके अंदर काली मिर्ची और जीरे का जो पाउडर है वो डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे। दो चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर।
और इसकी गैस बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। दोस्तों हमारी आलू मटर की जो सब्जी थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान था इसे बनाना और बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और ये बहुत ही आसान थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी आसान सी डिशेस सीखने का मौका मिले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।